नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार सुविधा ऐप लॉन्च करने वाला बना देश का पहला राज्य। त्योहारों पर रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन। के पाठक के आदेश पर भड़के कांग्रेस MLA, जिनके पास है ये फोन उन पर बंद हो जाएंगे आज से व्हाट्सएप। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच ने तोड़े व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड्स। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सूरत नगर निगम में 1000 पदों पर अप्रेंटिसशिप का मौका। सूरत नगर निगम की ओर से 1000 अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट surat municipal.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में ITI, BSc, BCom, BBA, BA आदि उत्तीर्ण किया हो। वहीं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को एक बार जरूर देख लें। बिहार सुविधा ऐप लॉन्च करने वाला बना देश का पहला राज्य। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा IPRD पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार देश के राज्यों में पहला ऐसा राज्य है जिसके द्वारा सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। बता दें कि शेयर की गई जानकारी के अनुसार इस ऐप की मदद से बिहार में बिजली के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आई है। मालूम हो कि इस ऐप के जरिए पेपरलेस विद्युत सेवाएं मिल रही हैं। इस ऐप से कोरोना काल के दौरान 12 लाख लोगों को मदद मिली है। बता दें कि इस ऐप की मदद से आप विद्युत सेवाओं के लिए पेपरलेस आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से बिजली बिल की जानकारी मिलती है। बिजली बिल का भुगतान होता है। बिजली बिल भुगतान के दौरान विशेष छूट मिलती है। बिजली बिल में हुई त्रुटि में सुधार होता है। बिजली लोड परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। इसके साथ ही इस ऐप से व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी मदद मिलती है। देश भर में विजयादशमी की धूम, जला अहंकारी रावण। बीते दिन विजयादशमी के मौके पर पूरे देश भर में धूम मची रही। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में दशहरा कमेटी द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान राम को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी, जिसके बाद श्री राम ने दीप जलाकर सबसे पहले कुंभकर्ण, फिर रावण के बेटे मेघनाथ और अंत में रावण का दहन किया, जिसके बाद पटना गांधी मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री तेज प्रताप यादव और पटना साहिब के BJP सांसद रविशंकर प्रसाद समेत अन्य नेता और कमेटी से जुड़े लोग मौजूद रहे। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे चंडी स्थान विराटपुर के बारे में। सहरसा में स्थित चंडी स्थान मंदिर देवी शक्ति को समर्पित देश के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और मां चंडी यहां स्वयं अवतरित हुई थी। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब पांडव निर्वासन काल में थे तो उन्होंने यहां रुककर मां चंडी की पूजा अर्चना की थी। चंडी स्थान विराटपुर के दैविक एवं चमत्कारिक मंदिर है और ऐसा देखा गया है कि मां की पूजा अर्चना के दौरान चढ़ाया जाने वाला जल कहां जाता है, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं मिल पाई है। पुरातत्व विभाग द्वारा 2 बार सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में हजारों वर्ष पुराने अवशेष भी मिले हैं। खुदाई से यह प्रमाण मिला है कि मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और लोगों के प्रमुख आस्था का केंद्र है। बिहार म्यूजियम में ई लाइब्रेरी के लिए मेंबर कार्ड बनाने का प्रोसेस हुआ शुरू। बहुत जल्दी बिहार म्यूजियम में ई लाइब्रेरी बनाए जाने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन ये सुविधा उन लोगों को मिल पाएगी जिनके पास म्यूजियम स्टडी सेंटर की मेंबरशिप कार्ड होगी। ऐसे में अगर आप भी म्यूजियम स्टडी सेंटर की मेंबरशिप कार्ड बनवाने की इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि मेंबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि UG, PG, MPhil और शोध के छात्रों के लिए उपलब्ध है। ऐसे में UG और PG के छात्रों को मेंबरशिप कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपए प्रति सालाना देने होंगे। तो वहीं PhD और MPhil के छात्रों को 300 रुपए वार्षिक देने होंगे। वहीं इसके अलावा जनरल लोगों को 500 रुपए वार्षिक देने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार म्यूजियम में एक साथ 30 लोगों की बैठने की क्षमता है और यहां विभिन्न विषयों से जुड़े 3000 पुस्तक उपलब्ध होंगे। आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए अपनाएं ये तरीका।
आज के दौर में आधार कार्ड न केवल हमारा पहचान पत्र है बल्कि इसकी मदद से हम सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं और साथ ही यह हमारे जीवन के कई जरूरी चीजों से भी जुड़ा है। यही वजह है कि आज लोग आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल होने से बचाना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDAI वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा। फिर आपको माई आधार टैब पर जाना होगा। इसके बाद आधार सर्विसेज सेक्शन पर जाना होगा। यहां आपको आधार लॉक अनलॉक का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉक UID ऑप्शन पर जाना होगा। फिर आधार कार्ड पूरा नाम और पिन कोड एंटर करना होगा। इसके बाद सेंड OTP बटन पर जाना होगा। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जो OTP आएगा उसे एंटर कर सबमिट करें और आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा। जमुई के सालेश के पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर CM नीतीश ने दी बधाई। बिहार के जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के इस्लाम नगर में रहने वाले दिव्यांग एथलीट सालेश कुमार के द्वारा अपनी खेल का प्रतिभा दिखाते हुए 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगजू स्टेडियम में आयोजित पैरा एशियाई गेम्स में ऊंची कूद में बड़ी छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर बिहार और देश का नाम रोशन करने का काम किया गया है। वहीं उनके इस उपलब्धि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बधाई देते हुए कहा गया है कि बिहार के श्री सालेश कुमार जी को चीन में चल रहे पैरा एशियन गेम्स 2023 के हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। श्री सालेश कुमार जमुई जिले के रहने वाले हैं। वे निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और देश का नाम रोशन करते रहे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना है। मोबाइल के कमजोर नेटवर्क को इन चार टिप्स से करें ठीक। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन से नेटवर्क चले जाते हैं जिससे हम काफी परेशान होते हैं। ऐसे में आज हम आपको चार टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। बता दें कि अगर आपके फोन का नेटवर्क चला जाता है तो आप अपने फोन को रीस्टार्ट करें। इसके अलावा आप अपने फोन के एयरप्लेन मोड को भी ऑन कर सकते हैं। इससे नेटवर्क को स्टेबल होने में मदद मिलती है। अगर इसके बाद भी आपके फोन का नेटवर्क वापस नहीं आता है तो आप अगर वाईफाई एक्टिव है तो उसे डिस्कनेक्ट कर एक बार फिर से कनेक्ट करने का ट्राई करें और अपने फोन को भी अपडेट रखें। इसके अलावा आपको अपने फोन की सिग्नल स्ट्रेंथ जरूर चेक करनी चाहिए। त्योहारों पर रेलवे चला रहा है स्पेशल ट्रेन। त्योहारों को देखते हुए रेलवे की ओर से यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिन ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है उनमें 03205 पटना से 28 अक्टूबर से चलेगी और अगले दिन दोपहर 1 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 03206 नई दिल्ली से 1 नवम्बर को सुबह 10 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4:15 बजे पटना पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 05056 गुवाहाटी से 27 अक्टूबर को सुबह 5:15 बजे चलेगी और 28 अक्टूबर को 3 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं इसके अलावा गाड़ी संख्या 05655 आनंद विहार से 1 नवंबर को रात 11 बजे चलेगी और अगले दिन 11:30 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चंदन तिवारी के बारे में। चंदन तिवारी बिहार की मशहूर लोक गायिका है। बिहार लोक संगीत गायन के लिए इन्हें भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी ने बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार और बिहार सरकार ने बिहार कला सम्मान से सम्मानित किया है। अपनी गायकी और बिहारी लोक गीतों की दुनिया को अपार विस्तार देने की वजह से पूरे देश में इनकी अलग पहचान बनी है। चंदन तिवारी भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी, नागपुरी और हिंदी में गाती हैं। इनकी पहचान भोजपुरी गायकी में है। इन्हें भोजपुरी कोकिला के नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने महुआ TV पर जिला टॉप और सर्ज संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने ETV में भाग लिया और साथ ही लोक जलवा शो भी किया। बिग मैजिक गंगा TV के साथ उन्होंने भक्ति सागर के कई विशेष शो किए हैं। ऑल इंडिया रेडियो पटना के साथ उन्होंने विशेष लोक और गजल रिकॉर्डिंग शो किया है। वह हमेशा लोकगीतों में महिलाओं की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण के पक्ष में खड़ी रही हैं। उन्होंने कई विशेष संगीत श्रृंखलाएं भी की हैं और साक्षात्कार कई प्रतिष्ठित निजी FM रेडियो चैनलों के साथ किया है। BTET परीक्षा आयोजित कराने की उठी मांग। ETV बिहार से हुए साक्षात्कार में BTET परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि यह परीक्षा राज्य में बीते 6 सालों से नहीं हुई है। उनका कहना है कि अन्य राज्यों के सरकार के द्वारा यह परीक्षा साल में एक बार जरूर आयोजित करवाई जाती है। ऐसे में राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द शिक्षक बहाली फेज 2 की वैकेंसी आने से पहले BTET परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि लाखों अभ्यर्थी इससे बच न पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभ्यर्थियों के अनुसार अंतिम बार परीक्षा का आयोजन वर्ष 2017 में कराया गया था और उसके बाद अब तक एक बार भी यह परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। जबकि वर्ष 2015 में हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश में हर साल किया जाना चाहिए।
बिहार की दो बेटियां नेशनल गेम्स में दिखाएंगी जलवा। बिहार की बेटियां भी अब सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बता दें कि बहुत जल्द ही बिहार के आरा की दो बेटियां पूजा कुमारी और सोनी कुमारी आगामी 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हैं, जिनका चयन गुजरात में हुए सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद किया गया है। ऐसे में अब इन दोनों महिला खिलाड़ियों को बिहार ओलंपिक संघ, बिहार व तीरंदाजी संघ और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में इन तीरंदाज को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पटना में कैंप कराकर भेजा जाएगा, जहाँ ये बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिहार में महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए मिलती है इतनी राशि। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार में महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें से 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण होते हैं और शेष 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए कुछ योग्यता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत महिला बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, इंटर, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण, उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास व्यक्तिगत चालू खाता भी होना अनिवार्य है। वह इसके अलावा जिस दस्तावेज का होना अनिवार्य है उनमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, संगठन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, बैंक स्टेटमेंट और रद्द किया गया चेक होना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति पर मांझी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने बिहार में हुई शिक्षक बहाली में रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह बहुत बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया है। बता दें कि जीतन राम मांझी के द्वारा एक्सपर्ट, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर लिखा है कि BPSC शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो, सरकारी नौकरी लो। घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। राज्य के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल के छाए रहने के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उड़ीसा तट तक फैले इसके प्रभाव से बिहार में भी मौसम करवट ले सकता है। बता दें कि राज्य के उत्तरी भाग में हल्के कोहरे का प्रभाव भी देखा जा रहा है। वहीं के शहर के तापमान में गिरावट देखी गई है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना भी शामिल है। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अनुमान के अनुसार हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इनके प्रभाव से तापमान में आंशिक गिरावट आएगी, वहीं शाम में लोगों को सिहरन भी महसूस होगी। के पाठक के आदेश पर भड़के कांग्रेस MLA। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा दिए गए निर्देश पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 20 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं अब शिक्षा विभाग के इस कदम पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के द्वारा गलत बताते हुए कहा गया है कि मेरा इसमें ये कहना है कि आप पहले अभिभावकों और बच्चों को ये सूचित करते कि अगर स्टूडेंट 15 दिन तक एबसेंट रहेंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा और वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ये उनका दायित्व बनता था। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का नाम काटा गया उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, आपने सीधा नाम काट दिया, कम से कम उनको खबर तो करनी चाहिए थी कि आप ऐसा आदेश देने जा रहे हैं। MP असेंबली चुनाव के लिए JDU ने जारी की कैंडिडेट लिस्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में JDU की ओर से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 5 उम्मीदवार के नाम शामिल है। बता दें कि जिन 5 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं उनमें विधानसभा पिछोर से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुमार रैकवार, विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी, थांदला से तोल सिंह भूरिया और पिटलावद से रामेश्वर सेंगर का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में वोटिंग 17 नवंबर को होगी, जो कि 230 विधानसभा सीटों के लिए की जाएगी। वहीं मतों की गिनती 3 दिसंबर को जारी की जाएगी। इंडिया गठबंधन
गठबंधन को लेकर चिराग पासवान की बड़ी भविष्यवाणी। बीते दिन विजयादशमी के मौके पर दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान के द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा गया कि यह गठबंधन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ है। इसमें कोई भी एक दूसरे की भलाई नहीं सोचेगा। यह एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पर एक दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे, तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। सभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे में यह देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हर घटक दल उसे गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। राज्य में गठबंधन नहीं बन रहा और ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह गठबंधन चुनाव आते आते तक भानुमति के कुनबे की तरह धराशायी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर का बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपनी चुनावी रणनीति की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वो नई पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि अगर उनके जनसुराज अभियान से जुड़ा कोई शख्स या नेता अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका समर्थन जरूर किया जाएगा। वह निर्दलीय कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनसुराज के नेता वो नहीं है, इसमें फैसला जनता करती है। प्रशांत किशोर का MLC चुनाव वाला फॉर्मूला ही लोकसभा चुनाव में भी लागू किया जाएगा। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड मैच ने तोड़े व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड्स। ICC वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के द्वारा धर्मशाला के मैदान पर विराट कोहली के बल्लेबाजी के बदौलत कीवी टीम के खिलाफ ICC टूर्नामेंट में 20 साल बाद जीत का स्वाद चखा गया। इसके साथ इस मैच ने व्यूवरशिप के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बता दें कि इस मैच को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक साथ 4.3 करोड़ लोगों ने देखा, जो एक नया रिकॉर्ड भी है। इस बात की जानकारी BCCI के सचिव जय शाह के द्वारा एक्स पर ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड मैच ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। इस मैच को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक साथ 4.3 करोड़ यूजर्स ने देखा और यह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट मैच बन गया है। इस मैच ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को व्यूअरशिप के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय टीम के पीछे देश खड़ा हुआ है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने 1924 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया। भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत 1951 में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी को 2008 में 6 माह की सजा सुनाई गई। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा लेखक मुकुंदी लाल श्रीवास्तव का जन्म 1896 में हुआ। कर्नाटक संगीत के गायक मदुराई मनी अय्यर का जन्म 1912 में हुआ। प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में हुआ। संत ज्ञानेश्वर का निधन 1296 में हुआ। भारतीय गीतकार और कवि शाहिर लुधियानवी का निधन 1980 में हुआ। मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन संगमा का निधन 1990 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा समाज सुधारक पांडुरंग शास्त्री अठावले का निधन 2003 में हुआ। साहित्यकार निर्मल वर्मा का निधन 2005 में हुआ। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी का निधन 2012 में हुआ। जिनके पास है ये फोन उन पर बंद हो जाएंगे आज से व्हाट्सएप। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज से कई फोन पर व्हाट्सएप बंद होने वाले हैं, जिसके बारे में कंपनी की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। बता दें कि जिन फोन में आज से व्हाट्सएप चलना बंद होने वाला है उनमें नेक्सस 7, iPhone 5, iPhone 5C, आर्कोस 53, प्लैटिनम, सैमसंग गैलेक्सी S2, ग्रैंड S Flex, ZTE, ग्रैंड X, क्वाड V987, ZTE, LG Optimus G Pro, सैमसंग गैलेक्सी नेक्सस, HTC सेंसर, मोटरोला ड्रोइड राजर, सोनी एक्सपीरिया S2, मोटरोला जूम, सैमसंग गैलेक्सी टैब 10.1, एसएस ई पैड, ट्रांसफॉर्मर एसर आइकोनिया, टैब A5003, HTC डिजायर 500, हुवाई एसेंट डी, हुवाई एसेंट D1, HTC 1, सोनी ज़ेपिरिया Z, सैमसंग गैलेक्सी S, HTC डिजायर HD, LG ऑप्टिमस 2X और सोनी एरिक्सन एक्सपीरिया आर्क 3 शामिल है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट http://samagra.org सर्वशिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट होने का दावा कर रही है और रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट भारत सरकार से संबंध नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट https://samagra.education.gov.in है।
बिग बॉस 17 में भाग लेने को अंकिता लोखंडे ने तोड़ी चुप्पी। इन दिनों पवित्र रिश्ता फेम टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे सलमान खान के शो बिग बॉस 17 में नजर आ रही हैं। वहीं अब अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस में भाग लेने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो बिग बॉस 17 में इसलिए आई हैं ताकि जो लोग उन्हें अब तक अर्चना के नाम से जानते थे वो अब उन्हें अंकिता के नाम से जाने, असली अंकिता को देखें। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि लोग मुझे बिना मेकअप के देखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंकिता बिग बॉस में अपने पति विक्की जैन के साथ आई है जो एक बिजनेसमैन है। ऐसे में एक तरफ जहां अंकिता को बिग बॉस में प्रति सप्ताह 12 लाख रुपए दिए जा रहे तो वहीं विक्की जैन को 5 लाख रुपए दिए जा रहे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री चारों धाम के इस दिन बंद होंगे कपाट। उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2023 के कपाट बंद होने को लेकर अपडेट सामने आ गया है, जिसके तहत बद्री विशाल के कपाट 18 नवंबर 2023 को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसके अलावा भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद करने का निर्णय लिया गया है और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार चार धाम पहुंचने वाले यात्रियों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्यौहार स्वच्छ परिवार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वियतनाम। अगला सवाल, बिहार के किस स्थान पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन ए पटना, सोनपुर के बीच के क्षेत्र, ऑप्शन बी किशनगंज क्षेत्र, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना, सोनपुर के बीच का क्षेत्र। अगला सवाल, बिहार में नबीनगर बिजली प्लांट किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी कटिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगाबाद। अगला सवाल, बिहार के किस स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी चौसा, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौसा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जोशी, रंजीत सिंह, मोहम्मद फहीम, अनवर करीम खान, रंजन कुमार, सीमा कुमारी, इंद्रदेव यादव, विवेक मिश्रा, विद्यासागर, प्रेमा कुमारी, सदुल्लाह पलवी, जैसिका गुप्ता, हरीश्वर कुमार, राजीव कुमार, अतीक खान, धीरेन्द्र पांडे, पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप लोगों का दुर्गा पूजा और दशहरा कैसा बीता? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।